अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। तीन टॉपिक है इस चैप्टर में, फंक्शंस, लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी। 1.1 में टोटली फंक्शंस, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस को डिस्कस किया गया है। तो स्टार्ट में हम पहले फंक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंक्शन है क्या। व्हाट इज फंक्शन? अ फंक्शन इज अ रूल। पेपर में दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन फंक्शन, तो वो लिख सकते हैं आप। अ फंक्शन इज अ रूल, a function f is a rule that assign to each element of a a unique element of b। इसमें a और b दो सेट्स हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे आपको मजीद फर्दर आइडिया हो जाएगा। बड़ा बेसिक से डेफिनेशन, फंक्शन एक्चुअली जस्ट कुछ नहीं है और एक जस्ट एक मशीन है। मतलब सपोज ये एक फंक्शन है, मशीन है, इस पर कोई ना कोई आप इनपुट करते हैं, ये इनपुट है आपकी, और ये प्रोसेस करके उसका रिजल्ट दे देती है आउटपुट के तौर पर। तो इस मशीन को हमने फंक्शन का नाम दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में जो फंक्शंस है बड़े सिंपल से होंगे, मतलब आपने मैट्रिक में भी जो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, या वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप का एक फंक्शन होता है। आपको डेफिनेशन के मुताबिक कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है? आप क्या करते हैं कि एक एलिमेंट आप इसमें पुट करें, कोई सा एक एलिमेंट आप इसमें पुट करके चेक करें। मतलब सपोज इसमें मैं 2 पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, तो जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। एक एलिमेंट पुट करने से एक ही आंसर आपको मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन है ये। देखें ना, असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए इज एनी सेट, अ यूनिक एलिमेंट, उसके अगेंस्ट। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आप वैल्यू एक पुट करेंगे और 2 या 3 आंसर मिल जाए आपको। जब ऐसा होगा तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा, उसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। वो हमारी इस बुक के बुक में नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन। एक्सरसाइज 1.1 में जो फंक्शंस के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो पार्ट हैं इसके, ए और बी। पहले ए डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस क्वेश्चन के फर्दर 4 पार्ट फाइंड करने को कहा गया है। नंबर 1, एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, बहुत आसान है। गिवन क्या है फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ माइनस 2। इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के जनरल बिहेवियर को। मतलब आप उसमें एक वैल्यू पुट करें तो उसके अगेंस्ट आपको ये आंसर मिलेगा, ये वैल्यू पुट करें ये आंसर मिलेगा। अब इसमें देखें, फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस 2। तो माइनस 2 में और इसमें क्या डिफरेंस है? जस्ट क्या है, एक्स की जगह पे आपने माइनस 2 पुट कर देना और कुछ नहीं करना। इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एफ में क्या पुट कर देना है? माइनस 2, जहां एक्स है वहां पे रिप्लेस कर दें माइनस 2 से। तो पूरे फंक्शन में जिस जिस जगह पे आपको एक्स नजर आ रहा है वहां पे आप माइनस 2 पुट कर दें। तो माइनस 2 स्क्वेयर एंड माइनस इंटू माइनस 2, ठीक हो गया जी, विच इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वेयर इज 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 प्लस 2 इज 6। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट क्या किया है वैल्यू रिप्लेस की है। जो भी वैल्यू हो वो आप उसमें पुट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड पार्ट इसी तरह ही है, बहुत सिंपल सा है। उसमें फाइंड करना है जी एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 भी इसी तरह ही है। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तो जस्ट क्या करेंगे, 0 रिप्लेस करेंगे, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे। सो 0 स्क्वेयर माइनस 0, 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। ये है जी वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
तो ये फंक्शन में जब भी आप कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको आंसर मिल जाता है। ये जस्ट प्रैक्टिस करवाई गई है क्वेश्चन नंबर वन में कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए किस तरह आप फंक्शन बिहेव कर रहा होता है। माइनस टू पुट किया तो ये आंसर आ गया इस फंक्शन में, जीरो पुट किया ये आंसर आ गया इस फंक्शन के लिए। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं इसी तरह, ये बड़ा सिंपल सा है। थर्ड पार्ट में है एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अब कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, अब क्या कर दिया वेरिएबल में ही फंक्शन को बस चेंज करना है। जो एक्स है आपने एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स माइनस वन से, बस ये काम करना है। ठीक हो गया जी। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। तो जस्ट इसका स्क्वायर ओपन कर दें और आंसर मिल जाएगा। एक्स माइनस वन स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन, प्लस वन इज प्लस टू। तो ये जी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस वन के लिए। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जस्ट क्या करना है आपको, जो भी वैल्यू आपसे डिमांड की गई उसके अगेंस्ट एक फंक्शन दिया है कि ये वैल्यू फाइंड कर दे, तो जस्ट आपने जो भी वैल्यू के लिए कहा हुआ फंक्शन आपने उस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देना। जिस जिस जगह पे आपको एक्स मिलेगा उन सारों में एक्स में आपने वो जो नंबर डिमांड की गई है उसको रिप्लेस करना है। ओके जी, इसका फोर्थ पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। फोर्थ पार्ट है जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स की जगह पे अब आपको क्या रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो पुट करते हैं सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर विच इज इक्वल टू, इस एक्स की जगह पे आपने एक्स स्क्वायर प्लस फोर को रिप्लेस करना है, एक्स की जगह पे। तो ठीक है, एक्स को रिप्लेस करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर से। तो ये क्या होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर और ये स्क्वायर, ये एक्स था उसकी जगह पे रिप्लेस किया और ये स्क्वायर एज इट इज आ गया, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लें, एक्स फोर फोर स्क्वायर सिक्सटीन प्लस टू ए बी विच इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट ओपन करने में प्रॉब्लम आती है तो प्रॉपर आप फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब लिखें आप एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, लेकिन चूंकि अब आप हायर लेवल पे आ गए हैं तो आप ये डायरेक्ट काम करें तो इससे कोई इशू नहीं है, बल्कि आपको ऐसा ही करना चाहिए आप, क्योंकि उस तरह स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो एड स्प्रेड कर लेते हैं, एक्स फोर एट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज सेवन एक्स स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर इज प्लस ट्वेल्व। ठीक है जी, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है, जो भी वैल्यू फाइंड करने को कहे जस्ट आपने वैल्यू को उसमें रिप्लेस करना है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट बी भी इसका इसी तरह ही है, पार्ट बी भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। पार्ट बी में जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट एक्स प्लस फोर। ठीक हो गया, तो इसको डायरेक्ट जरा डायरेक्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करने, एफ ऑफ माइनस टू, सो वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ माइनस टू। तो माइनस टू में क्या करेंगे, जस्ट एक्स की जगह पे माइनस टू रिप्लेस करना है ना। तो ये एक्स आ गया माइनस टू प्लस फोर विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट टू आंसर। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के बजाय एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, मतलब एमसीक्यू आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स इज दिस एंड देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू या एफ ऑफ जीरो या एफ ऑफ वन ओवर एक्स, इस तरह क्वेश्चन एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पार्ट नंबर टू इज वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ जीरो, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, सो जीरो प्लस फोर स्क्वेयर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट फोर एंड स्क्वेयर रूट फोर इज टू। क्लियर। थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स माइनस वन, अब एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एक्स माइनस वन से, तो स्क्वेयर रूट एक्स माइनस वन एंड प्लस फोर, ये एक्स था, एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन आ गया, सो आंसर इज
x प्लस थ्री, पार्ट नंबर फोर भी इसी तरह है, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो अब x को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर से। सो ये x है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर इज एट। देखिए एक एक लाइन में आपको ये आंसर मिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा था ये एमसीक्यू में पूछा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है लेकिन मोस्टली देखा गया है पास पेपर्स में कि ये एमसीक्यू में ही पूछा जाता है। दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है, आपको आनी चाहिए, फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट, ये जो समझाने के लिए जब भी डेफिनेशन पूछी जाए तो एक एग्जाम्पल साथ आपने लाजमी देनी है, अगर एग्जाम्पल नहीं देंगे तो पूरे दो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तो आप एक नंबर कट सकता है या हाफ नंबर में आपका माइनस किया जा सकता है, तो इसलिए एग्जाम्पल लाजमी दें, कोई भी फंक्शन लिख दें जो आपको याद हो, जरूरी नहीं यही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो वन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये वर्ड पर बड़ा फोकस करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे, तो फंक्शन गिवन होगा तो जो भी वैल्यू आपसे पूछी गई है उसके वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट उस वैल्यू को उस वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल दिया गया है उसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए बहुत सिंपल सा था, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में फाइंड करना है फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई वेयर, चार पार्ट है टोटल इसके। नंबर वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x-9, फंक्शन दिया गया है और आपको एवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है ये वाला एक्सप्रेशन, तो जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है ना हम उसी को देख के वर्किंग करेंगे अपनी। देखिएगा जरा सॉल्यूशन, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x-9, ये फंक्शन हमें गिवन है, इसी फंक्शन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहले देखिए इस एक्सप्रेशन में हमें फाइंड करने को गया है एफ ऑफ ए प्लस एच, सिर्फ इस वाले को देखें, x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दें, a प्लस एच, तो ये x आ गया, इस x की जगह पे भी हम क्या पुट करेंगे a प्लस एच और ये माइनस नाइन आ गया, ठीक हो गया जी। 6a 6h माइनस नाइन, ये वाला फैक्टर फाइंड कर लिया। अब सिंपल इसको फाइंड करते हैं, ये क्या है जी f ऑफ a, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे a, इसको इक्वेशन वन कर दें। नाउ f ऑफ a, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे a, सो 6a माइनस 9, एक्सप्रेशन नंबर टू, ठीक हो गया। f ऑफ a प्लस h फाइंड किया, f ऑफ a फाइंड किया, अब इन दोनों के दरमियान में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें। सो फ्रॉम वन एंड टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, माइनस किया, ये f ऑफ a की वैल्यू 6a 6h माइनस 9 एंड माइनस 6a माइनस 9, क्लियर। ओके नेक्स्ट एड स्प्रेड कर लेते हैं, 6a 6h माइनस 9 माइनस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9, तो बाकी इस साइड पर देखें 6a और माइनस 6a ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 6a माइनस 6a कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या आ जाएगा 6h माइनस 9 और प्लस 9 भी कैंसिल, तो ये क्या आ गया जी, सिर्फ रह गया 6h। तो ये एक्सप्रेशन f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू 6h, जो एक्सप्रेशन जनरेट करना है वो है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, डिनोमिनेटर में h भी है तो दोनों साइड पे क्या करें h से डिवाइड कर दें, या तो इस h को इस साइड पे ले आए या दोनों साइड को h से डिवाइड कर दें,
So divide by h, we get f of a plus h, f of a divided by h is equal to 6. ले जी, ये वाला एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट हो गया. ये भी क्वेश्चन क्या था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है, जस्ट क्लियर. एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट. टोटल 4 पार्ट हैं इसके. सेकंड पार्ट में है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सॉल्यूशन. एक्सप्रेशन यही आपको बनाना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच. सो गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. फर्स्ट वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच, तो जस्ट एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, ए प्लस एच को. साइन एक्स आ गया तो इसकी जगह पे ए प्लस एच पुट कर दिया, बस. इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना कि जी साइन ए प्लस, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जिसको साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी साइन ए प्लस साइन एच. नहीं, ऐसा नहीं है. ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मूला डिस्कस किए हुए, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा. ठीक है, अभी फिर फॉर्मूला यूज नहीं करना, लेकिन कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको साइन ए प्लस साइन एच लिख देते हैं, तो ये गलत नहीं करेंगे. नाउ एफ ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं. एफ ऑफ ए में क्या करेंगे, जस्ट साइन ऑफ ए पुट, एक्स की जगह पे ए को रिप्लेस कर देंगे. अब दोनों में सब्ट्रैक्टिव हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें. सो फ्रॉम 1 एंड 2, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए. अब ये इस पे तो अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो जो बुक में आंसर है वो नहीं बनेगा. चैप्टर नंबर 10 में आपने मजीद और भी फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, जिसमें सम से प्रोडक्ट में जाते हैं और प्रोडक्ट से सम में आते हैं, सम एंड डिफरेंसेस फॉर्मूला, जो 10.4 में आपने यूज किए थे पार्ट 1 में. तो वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे. दोनों साइन और दरमियान में अगर माइनस हो, तो जो फॉर्मूला यूज किया जाता है इसको लिखेंगे एज, रेफरेंस देंगे, या तो उसको क्वेश्चन में पेपर में आप सामने लिख दें, या उसी स्टेप के अंदर लिख दें कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2. ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन पी माइनस साइन क्यू 2 कॉज पी प्लस क्यू, सॉरी इधर माइनस आएगा, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2. अब ये देखें, p की जगह पे a प्लस एच है और q है जी जस्ट a, तो इसको जब यूज करेंगे तो ये जो रिजल्ट बन जाएगा 2 cos ऑफ a प्लस एच प्लस a डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ऑफ a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाय 2. क्लियर. अब देखें a और a ऐड हो जाएगा, इधर कर लेते हैं ऊपर, ये हो गया जी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ ए प्लस ए इज 2 ए प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ऑफ ए एंड ए कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट एच बाय 2 आ गया, विच इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ, इसको फर्दर अलग अलग कर लें अगर मजीद करना चाहें, प्लस एच बाई 2, डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा और सिम एच बाई 2. तो ये आ गया 2 कॉज ऑफ 2 कैंसल a प्लस एच ओवर 2 एंड साइन ऑफ एच ओवर 2. इस साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए है, तो क्या करेंगे 2 कॉज ऑफ, इसको मैं एज इट इज लिख लूँ, साइन ऑफ एच बाई 2. लेकिन जो हमने एक्सप्रेशन बनाना था उसके डिनोमिनेटर में एच है, तो दोनों साइड पे क्या करें एच से डिवाइड कर दें, तो ये आ गया जी एच और इस साइड पे भी एच आ गया, तो आंसर बन गया 2 ओवर एच कॉज ऑफ ए प्लस एच बाई 2 एंड साइन ऑफ एच ओवर 2. क्लियर जी. दोबारा देख लें, मिस्टेक क्या होती है इस क्वेश्चन में,
बच्चे क्या करते हैं, इसको साइन ए प्लस साइन बी और साइन कैंसिल करके साइन ऑफ एच आंसर निकाल देते हैं। वो नहीं करना है, जो फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्मूला याद किए हुए सम से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से सम में, ये है जी सम से प्रोडक्ट में जाने का फॉर्मूला। साइन पी माइनस साइन बी, जब रिजल्ट यूज़ करें, ये पी है, ये क्यू है, वैल्यूज पुट किए हैं और हमें आंसर मिल गया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो पार्ट नंबर फोर में भी दिया गया है आपको, जिसमें कॉज एक्स बताया गया, ठीक है। कॉज एक्स में कॉज एक्स कॉज पी माइनस कॉज क्यू का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। इसका आप थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, सारे पार्ट में करवा देता हूं क्योंकि अभी स्टार्ट है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इतनी तस्वीर नहीं लगी। चलो खैर कोई गल नहीं, जी क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर थ्री और फोर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता होता है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आता होता है। पार्ट नंबर थ्री, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा है क्योंकि जब इसमें तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये सॉल्यूशन गिवन है उसी तरह, एफ ऑफ एक्स इज दिस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड कर लेते हैं। एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस करें, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर रिप्लेस करते जाएँ। एक्स आ गया, इधर भी एक्स आ गया और ये माइनस वन। इधर इसको इधर ही सिंप्लीफाई कर लें, बाद में भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ए प्लस एच होल क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पे यूज, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। बी की जगह पे जस्ट एच और कुछ नहीं है, प्लस टू इंटू स्पेस स्क्वेयर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस टू ए एच एंड माइनस वन, ठीक हो गया जी। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए क्यूब एच क्यूब मल्टीप्लाई कर दें, थ्री ए स्क्वेयर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर टू एच स्क्वेयर फोर ए एच माइनस वन। तो देखें कोई टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको कर लेते हैं। ए स्क्वेयर है, एच स्क्वेयर है, फोर ए एच, यानी कोई भी टर्म्स आपकी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। तो इसी तरह आप एफ ऑफ ए प्लस एच अपने फाइंड कर लिए, सिमिलरली एफ ऑफ ए भी फाइंड कर लें। नाउ एफ ऑफ ए, ठीक है, ये अलग से स्टेप होगा, वो उधर रुक गया, वो उधर रुक गया है, अब इधर क्या करेंगे, एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे जिस तरह पहले दो पार्ट में किया था। तो ए फाइंड करने के लिए जस्ट एक्स को क्या रिप्लेस करना है, ए से रिप्लेस कर देंगे। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वेयर माइनस वन, इधर लिख लें। नाउ ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, वन और टू को सब्ट्रैक्ट कर दें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सो ए प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर टू एच स्क्वेयर फोर ए एच माइनस वन, और माइनस एफ ऑफ ए, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए क्यूब, बल्कि माइनस सम मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ ही, ए क्यूब ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस टू ए स्क्वेयर ये भी साइन चेंज हो जाएगा प्लस वन। साइन क्यों चेंज होगा, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, डायरेक्ट स्टेप कर लिया। वो जब देखते हैं कोई एडस्पेक्ट टर्म्स अगर हो रही हैं तो उनको एडस्पेक्ट कर लेते हैं जी। ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए स्क्वेयर से कैंसिल, प्लस वन
माइनस वन कैंसिल, ठीक हो गया जी। तो बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एच क्यूब थ्री ए स्क्वेयर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वेयर टू एच स्क्वेयर प्लस फोर ए एच। अब इन सारे टर्म्स में h कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन h, एच स्क्वेयर थ्री ए स्क्वेयर थ्री ए एच टू एच एंड फोर ए। जो एक्सप्रेशन हमें जनरेट करना है उसके डिनोमिनेटर में h है, तो इस h को इस साइड पे ले आए, या दोनों साइड से डिवाइड कर दें, या उस h को इस साइड पे ले आए। सो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू एच स्क्वेयर थ्री ए स्क्वेयर थ्री ए एच प्लस टू एच प्लस फोर ए। ये है जी हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट करना था वो हो गया, जस्ट क्या करना है एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए उनको सब्ट्रैक्ट करें, एच से डिवाइड करें, आंसर मिल जाएगा। इसी तरह जी पार्ट फोर भी इसी तरह ही है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। पार्ट नंबर फोर में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स फाइंड करना, तो कॉज ऑफ एक्स भी उसी तरह ही है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होएगा कॉज ऑफ ए प्लस एच। दूसरे स्टेप में हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या होएगा कॉज ऑफ ए, दोनों को सेपरेट करेंगे थर्ड स्टेप में, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, सो कॉज ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ ए। अगेन उसी तरह जिस तरह साइन में हमने फॉर्मूला यूज किया था, साइन पी माइनस साइन क्यू का प्रोडक्ट में लेके गए थे, इसी तरह कॉज पी माइनस कॉज क्यू का फॉर्मूला लेंगे, इसको प्रोडक्ट में लेके जाएंगे। फॉर्मूला है जी एज कॉज ऑफ पी माइनस कॉज क्यू इज इक्वल टू माइनस टू साइन ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू एंड साइन ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय टू। ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले तो सो ये क्या बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, माइनस टू साइन ऑफ पी की जगह ए प्लस एच है, क्यू की जगह पे ए प्लस एच प्लस ए डिवाइडेड बाय टू एंड साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय टू। सो फाइनली माइनस टू साइन ऑफ ये टू ए, उसी तरह ए प्लस ए टू ए प्लस एच डिवाइड बाई टू, तो इसको सिंप्लीफाई करके ए प्लस एच बाई टू कर देंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह एंड साइन ऑफ एच बाई टू। ये जो हमने एक्सप्रेशन जनरेट किया है वो भी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए है, तो इसको भी एच से डिवाइड करना है, डिवाइड कर देंगे एफ ऑफ एच से, जब डिवाइड करेंगे तो ये जगह माइनस टू ओवर एच साइन ऑफ ए प्लस एच बाई टू एंड साइन ऑफ एच बाय टू। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर टू, उसके चारों पार्ट डिस्कस कर लिए। ये सारा का सारा भी क्या कर रहा था, हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर थ्री और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।